Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस में पाठ 10 का दौरान करेंगे. तो उसके लिए आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक की किताब निकालेंगे और पेज 59 पर आएंगे. पाठ 10, राष्ट्रीय ध्वज. राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र का प्रतीक. बच्चों, राष्ट्र का अर्थ होता है देश. हर देश के अपने कुछ अलग प्रतीक होते हैं, उसी से उस देश की, उस राष्ट्र की पहचान होती है. इसी तरीके से हमारे राष्ट्रीय ध्वज की भी एक पहचान है. राष्ट्रीय ध्वज की बनावट. बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई 2 भाग है और लंबाई 3 भाग है. राष्ट्रीय ध्वज का रंग. हमारा देश विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों का देश है. यहाँ भाव विचार भी भिन्न भिन्न है. उन सभी बातों का ध्यान में रखकर राष्ट्रीय ध्वज का रंग रूप चुना गया है. राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहते हैं. बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं. सबसे ऊपरी पट्टी होती है, सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया रंग, बीच वाली पट्टी सफ़ेद रंग और तीसरे वाली पट्टी हरे रंग की होती है. सबसे ऊपरी वाली पट्टी केसरिया रंग त्याग और सादगी को दर्शाती है. दूसरे रंग वाली पट्टी प्रेम, भाईचारे, शांति को दर्शाती है. तीसरे रंग वाली पट्टी, बच्चों, जो हरे रंग की होती है, वो हरी भरी धरती और लोगों की सुख समृद्धि को दर्शाती है. अशोक चक्र. राष्ट्रीय ध्वज के बीच वाली पट्टी पर अशोक चक्र स्थित है. अशोक चक्र हमें धर्म विजय का संदेश देता है. बच्चों, यह अहिंसा, भाईचारे, निरंतर प्रगति, यह सब चीज़ों को दर्शाता है. कौन? अशोक चक्र हमें यह सब चीज़ों को दर्शाता है. राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान. राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए. राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है. इसीलिए हमें हमेशा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए. ये हमारा परम कर्तव्य है. तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? हमेशा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए. तो अब हम सबसे पहले बुक वर्क दोहराएंगे. प्रश्न 1, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को और किस नाम से जाना जाता है? बच्चों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को और किस नाम से जाना जाता है? अभी मैम ने आपको बताया था कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग की पट्टियां होती हैं? 3 रंग की पट्टियां होती हैं. तो हम राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के नाम से भी जानते हैं. प्रश्न 2, राष्ट्रीय ध्वज की माप क्या है? बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज की माप क्या है? चौड़ाई 2 भाग, लंबाई 3 भाग. प्रश्न 3, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, बच्चों, कितने रंग हैं? 3. कितने रंग हैं? 3. प्रश्न 4, केसरिया रंग किसका प्रतीक है? केसरिया रंग, बच्चों, किसका प्रतीक है? सादगी और त्याग भावना का. प्रश्न 5, हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान क्यों करना चाहिए? बच्चों, हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये हमारा परम कर्तव्य है. प्रश्न 6, हमारा परम कर्तव्य क्या है? हमारा परम कर्तव्य क्या है? बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा करना. बच्चों, अब प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए. क, सफेद रंग किसका प्रतीक है? यहाँ आपको 3 विकल्प दिए हुए हैं ना. पहला शांति का, क्रोध का, विजय का. तो बच्चों, सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का. तो जहाँ शांति लिखा हुआ है वहां क्या आएगा? सही का चिन्ह. ख, राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? यहाँ भी आपको कितने विकल्प है? 3 विकल्प है. पहला विकल्प राष्ट्रीय गौरव, दूसरा स्वाभिमान, तीसरा दोनों का. तो बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का. तो यहाँ पे क्या आएगा? जहाँ दोनों का लिखा हुआ है वहाँ सही का चिन्ह आएगा. क, हर रिक्त स्थान राष्ट्र के अपने विशेष चिन्ह होते हैं. पहला पराधीन,
दूसरा स्वतंत्र, तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हर स्वतंत्र राष्ट्र के अपने कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, तो जहां स्वतंत्र लिखा हुआ है वहां क्या आएगा, सही का चिन्ह आएगा। ग, राष्ट्रीय ध्वज के बीच वाली पट्टी पर रिक्त स्थान स्थित है। पहला विकल्प है चरखा, दूसरा त्रिशूल और तीसरा अशोक चक्र। तो बच्चों राष्ट्रीय ध्वज के बीच वाली पट्टी पर क्या स्थित है, अशोक चक्र। तो जहां अशोक चक्र लिखा हुआ है वहां क्या करेंगे, सही का चिन्ह लगा देंगे। र, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करके हम किसका सम्मान करते हैं। पहला विकल्प स्वयं का, दूसरा माता पिता का, तीसरा अध्यापक का। तो बच्चों राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करके हम किसका सम्मान करते हैं, हम स्वयं का सम्मान करते हैं। तो जहां स्वयं का लिखा हुआ है वहां क्या करेंगे, सही का चिन्ह लगा देंगे। बच्चों अब हम प्रश्न दो दोहराएंगे, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, आपको उन शब्दों को वहाँ पे लिखना है। हमें राष्ट्रीय रिक्त स्थान का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज सम्मान परम अपमान। तो बच्चों हमें किसका सम्मान करना चाहिए, ध्वज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का रिक्त स्थान राष्ट्र का अपमान होता है। बच्चों देखिए राष्ट्रीय आपका ध्वज हो गया, अब हमारा क्या रह गया, राष्ट्रीय सम्मान परम अपमान। तो बच्चों राष्ट्रीय ध्वज का यहाँ क्या लिखेंगे हम, अपमान, राष्ट्र का अपमान होता है। इसलिए अपने रिक्त स्थान ध्वज के रिक्त स्थान की रक्षा करना हमारा रिक्त स्थान कर्तव्य है। बच्चों ध्वज हमने लिख लिया, अपमान भी हमने लिख लिया, अब हमारे पास कितने शब्द रह गए, तीन। तो सब यहाँ पे आएगा, इसलिए अपने क्या आएगा, राष्ट्रीय, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के यहाँ क्या लिखेंगे, सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अब उसके बाद हम प्रश्न तीन हाँ या नहीं दोहराएंगे। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क, राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहते हैं। बच्चों अभी आपको बताया था राष्ट्रीय ध्वज को और क्या कहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या, ये जो ये वाक्य है वो सही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ। ख, हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। बच्चों हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, तो यह वाक्य भी सही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाँ। ग, तिरंगे में पांच रंग होते हैं। बच्चों क्या तिरंगे में पांच रंग होते हैं, नहीं, तिरंगे में तीन रंग होते हैं। तो ये क्या है, यह वाक्य गलत है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, नहीं। ग, भारत विभिन्न जातियों तथा संस्कृतियों का देश है। हाँ बच्चों भारत विभिन्न जातियों धर्मों और संस्कृतियों का देश है, तो यह वाक्य क्या है, यह वाक्य सही है, हम यहाँ क्या लिख देंगे, हाँ। अब हम कॉपी वर्क दोहराएंगे। सबसे पहले हम नवीन शब्द दोहराएंगे। पहला राष्ट्र, दूसरा प्रतीक, तीसरा ध्वज, चौथा त्याग, पांचवा कर्तव्य, छठवां संस्कृति, संस्कृति के बाद है समृद्धि और आठवां है स्वाभिमान। बच्चों नवीन शब्द के बाद हम शब्दार्थ का दोहरान करेंगे। पहला सादगी, सादगी का अर्थ होता है सरलता। दूसरा निरंतर, निरंतर का अर्थ होता है लगातार। तीसरा गौरव, गौरव का अर्थ होता है सम्मान। शब्दार्थ के बाद हम वाक्य बनाइए का दोहरान करेंगे। पहला सम्मान, हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। वापस से देखिए, हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। दूसरा सत्य, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वाक्य बनाइए के बाद हम दोहरान करेंगे लिखित प्रश्न का। प्रश्न एक, राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहा जाता है। उत्तर, राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंगों की पट्टियां होने के कारण इसे तिरंगा कहा जाता है। एक बार वापस से दोहराएंगे। प्रश्न एक, राष्ट्रीय ध्वज को
तिरंगा क्यों कहा जाता है? उत्तर, राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंगों की पट्टियां होने के कारण इसे तिरंगा कहा जाता है। प्रश्न एक के बाद प्रश्न दो दोहराएंगे। हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग देश की हरी भरी धरती और लोगों की सुख समृद्धि का प्रतीक है। वापस दोहराएंगे प्रश्न दो। हरा रंग किसका प्रतीक है? उत्तर, हरा रंग देश की हरी भरी धरती और लोगों की सुख समृद्धि का प्रतीक है। प्रश्न तीन, अशोक चक्र क्या दर्शाता है? उत्तर, अशोक चक्र अहिंसा, प्रेम, सत्य, कर्म, निरंतर प्रगति तथा भाईचारे को दर्शाता है। वापस से देखिए, अशोक चक्र क्या दर्शाता है? उत्तर, अशोक चक्र अहिंसा, प्रेम, सत्य, कर्म, निरंतर प्रगति तथा भाईचारे को दर्शाता है। बच्चों, अब हम कठिन शब्द लिखकर दोहराएंगे। सबसे पहला शब्द है राष्ट्र। र, र पे आ की मात्रा, आधा श। ट, ट पे पधेन की मात्रा। यह शब्द क्या बना? यह शब्द बना राष्ट्र। दूसरा देखिए, प्रतीक। प, प पे पदेन की मात्रा, त, त पे बड़ी ई की मात्रा और क। यह शब्द बन गया प्रतीक। तीसरा शब्द है ध्वज। ध, आधा ध, व, ज, ध्वज। ध्वज के बाद है त्याग, आधा त, य पे आ की मात्रा, ग, त्याग। पांचवा शब्द है कर्तव्य। क, त पे रेफ की मात्रा, आधा व और य। यह शब्द बना कर्तव्य। कर्तव्य के बाद लिखेंगे संस्कृति। स, स पे बिंदु, आधा स, क, क पे री की मात्रा, त, त पे छोटी ई की मात्रा। यह शब्द बना संस्कृति। संस्कृति के बाद हम लिखेंगे समृद्धि। स, म, म पे री की मात्रा, द, द पे हलंत, धनुष वाला और छोटी ई की, ध पे छोटी ई की मात्रा। यह शब्द बना समृद्धि। समृद्धि के बाद हम लिखेंगे स्वाभिमान। आधा स, व पे आ की मात्रा, भ भालू वाला, छोटी ई की मात्रा, म पे आ की मात्रा और न। यह शब्द बना स्वाभिमान। वापस से दोहराएंगे, राष्ट्र, प्रतीक, ध्वज, त्याग, कर्तव्य, संस्कृति, समृद्धि, स्वाभिमान। बच्चों, एक बार हम शब्दार्थ लिखकर देखते हैं। सबसे पहले आएगा सादगी, सादगी। सादगी का अर्थ होता है सरलता। स, र, ल, त पे आ की मात्रा, सरलता, सादगी, सरलता। दूसरा शब्द है निरंतर। न, न पे छोटी ई की मात्रा, र पे बिंदु, त, र। निरंतर का अर्थ होता है लगातार। ल, ग पे आ की मात्रा, त, त पे आ की मात्रा, र। यह शब्द बना लगातार, निरंतर, लगातार। तीसरा शब्द है गौरव।
गौरव का अर्थ होता है सम्मान। स म आधा म पूरा म, म पे आ की मात्रा, न सम्मान। वापस से दोहराएंगे, सादगी सरलता निरंतर लगातार गौरव सम्मान। बच्चों मैं आशा करती हूँ आपने हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस पाठ 10 राष्ट्रीय ध्वज का अच्छे से दोहरान किया होगा। धन्यवाद।